गाजा में अब जो हालात बन रहे हैं उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि राफा से लेकर पूरा गाजा इजरायली सेना के लिए कब्रिस्तान बन गया है, जहां पर हमास के लड़ाके रोजाना इजरायली सैनिकों को मौत की नींद सुला रहे हैं। और गाजा के भीतर राफा ऐसी जगह है जहां इजरायली सेना लगातार घुटनों के बल आती जा रही है। दरअसल हमास के लड़ाके राफा और गाजा के अलग अलग हिस्सों में इजरायली सेना पर भीषण हमले कर रहे हैं, जिसमें IDF को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। खुद इजरायली मीडिया ने अब इस बात को मान लिया है कि गाजा इजरायली सेना के लिए मौत का जाल बन गया है। दरअसल इजरायली न्यूज एजेंसी यदित एरोनॉट ने खुलासा किया है कि 7 अक्टूबर 2023 के हमले के बाद से गाजा में कम 10,000 इजरायली सैनिक मारे या फिर घायल हुए हैं। न्यूज एजेंसी के मुताबिक हर महीने रक्षा मंत्रालय के रिहैबिलिटेशन सेंटर में 1,000 घायल सैनिकों को इलाज के लिए भेजा जा रहा है। एजेंसी का कहना है कि इजरायली सेना गाजा में कई महीनों से चल रही लड़ाई के दौरान कम से कम 10,000 सैनिकों की मौत या घायल होने की समस्या से जूझ रही है। इतिहास में कभी भी इजरायल के युद्ध में ऐसे हालात नहीं बने जहां पर जवान दुश्मन की जमीन के भीतर विपरीत परिस्थितियों में लगातार 10 महीनों से लड़ रहे हों। लेकिन गाजा में IDF की होती दुर्गति को लेकर इजरायली संसद पर भी सवाल उठ रहे हैं। दरअसल यदित एरोनॉट न्यूज एजेंसी ने इजरायली संसद की आलोचना करते हुए कहा है कि युद्ध के बीच अनिवार्य सैन्य सेवा को बढ़ाने के विधेयक को आगे बढ़ा दिया गया है, जिसकी वजह से इजरायली सेना में नियमित सैनिकों के बीच भारी निराशा है। वहीं दूसरी तरफ सीरियन गोलन हाइट्स में तैनात महिला सैनिकों की उनकी सैन्य सेवा अतिरिक्त रूप से 4 महीने के लिए और बढ़ा दी गई है। हालांकि इन सैनिकों को सितंबर 2024 में सैन्य सेवा से निवृत्त होना था, लेकिन अब अप्रत्याशित रूप से 4 महीने के लिए इनकी ड्यूटी को और बढ़ा दिया गया है, जिससे सैनिकों में काफी नाराजगी है। यहाँ पर आपको ये जरूर बता दें कि गाजा में जितने सैनिक मारे जा रहे हैं या फिर घायल हो रहे हैं उनके आंकड़ों पर सेना का बड़ा पहरा है, यानी कि जो आंकड़े जारी हो रहे हैं वो हकीकत में ज्यादा हो सकते हैं। IDF के आंकड़ों के मुताबिक 7 अक्टूबर 2023 के बाद से गाजा में 690 सैन्य अफसर और सैनिक मारे गए हैं, और मौजूदा समय में इजरायली सेना मौत के असल आंकड़ों को छिपाने के आरोपों का सामना कर रही है। इसके अलावा IDF के पास जवानों की भी भारी कमी है, जिसके चलते 12 जुलाई 2024 को इजरायली कैबिनेट ने सैन्य सेवा को अगले 3 साल के लिए और बढ़ा दिया है। कैबिनेट ने सैनिकों की कमी को खुद स्वीकार किया है।